I love you so very much. Mwah! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. हेलो गाइस, हाय, दिस इज मी डी जिंकी नाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं एक मोबाइल ब्लॉगर हूँ और मैं YouTube में वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आप लोगों को मनोरंजन देने के लिए कोशिश करता हूँ और असम को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू मीट माई वैलेंटाइन? उससे मिलाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि मैं इतना सारा वीडियोस बनाया हूँ और फ़ोटो भी मैंने क्लिक किया हूँ, खींचा हूँ अपने आपके ऊपर या नेचर के ऊपर या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, मैं सब आप लोगों को दिखाया हूँ। जब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अभी तक सब मैं आपको वीडियो करके या फ़ोटो खींच के मैं आपको दिखाया हूँ। और आज मैं एक मेरी जो बाइक है, मेरी जो जान है, ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन, ये BH3 है जो पहले निकला था, वही मेरा बाइक है, तो आज उसी के ऊपर मैं फ़ोटोशूट करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ऐसी जगह में लेके आया हूँ जो अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अभी ब्रह्मपुत्र के बीच में हूँ और साइड में आपका सिर्फ रेत है। मैं अपनी वैलेंटाइन को सजा तो नहीं पाया, फिर भी मैं उसको फ़ोटोशूट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। सो हियर वी गो। तो जैसे कि आप लोग देखा ही है, अभी तक मेरी बाइक जो है 49,000 प्लस चल गया है और मैं लिया था 2016 दिसंबर में, तो 2 साल कंप्लीट कर चुका है, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मैं 2 साल के अंदर कहाँ कहाँ गया हूँ मैं आपको ये बोल भी देता हूँ। पूरा ऑल ओवर गुवाहाटी तो घुमा ही है, पहले ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर ही दिया है और ऊपर से आपका भूटान गया था हम ये बाइक लेके और फिर सिक्किम गया था, तो इस बाइक से मैं इतना ही जगह गया हूँ। ट्राई कर रहा हूँ लद्दाख जाने का, मगर अभी तो इसका हालत भी थोड़ा ख़राब हो गया है। 50,000 क्रॉस करने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए थोड़ा डर लगता है। अगर अच्छा मेंटेन रहेगा तो जा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से मैं एनी टाइम मेरा बाइक लेके ही घूमते रहता हूँ गुवाहाटी सिटी के अंदर, तो बस ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ थी, है और रहेगी, और इसीलिए मैं इसको जान मानता हूँ। और एक बात है कि BH3 है तो रॉयल एनफील्ड ने एक कोशिश की थी कि ये बाइक जो है अच्छा मार्केट लेगी और लिया भी था, मगर अनफॉर्चुनेटली जो BH3 पहला वाला मॉडल है उसका माइलेज बहुत कम है और आपका जो कॉइल का जो था स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम था, मेरा भी प्रॉब्लम किया था, मगर उसके बाद जब चेंज किया था और रॉयल एनफील्ड ने खुद कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दी थी, और हालांकि उसके बाद मेरा एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए अभी तक सबसे कंफर्टेबल बाइक लगा हमको। और 350 जो थंडरबर्ड 350 है वो भी मुझे अच्छा लगा, और मगर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसका माइलेज सिर्फ कम है, बाकी सब पिकअप बहुत मस्त है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, BH4 अभी निकल गया है, तो मैं इसके ऊपर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बाइक को लेके क्या क्या है। तो चलिए
मैं आप लोगों को कसम से बोलता हूँ, मैं अपनी बाइक को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो वेरी मच, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ मैं, बचा के रखना हमेशा। ये वीडियो जस्ट इतना ही था, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर तो करते ही नहीं है। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो होम, बाय बाय।